हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेल का वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड के बारे में। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी ब्रांड का लैपटॉप के साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एज वेल एज कोई भी स्मार्टफोन अगर आपके पास है तो उसके साथ आप कनेक्ट करके कैसे ये आपके स्टडीज में एंड गेमिंग में हेल्प कर सकता है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं अंदर क्या क्या है। आपको मिल जाता है एक क्विक स्टार्ट गाइड और एक मैनुअल, इसे साइड कर देते हैं। अंदर मिलता है हम लोगों को एक वायरलेस कीबोर्ड, देखते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। तो आपको मैट फिनिश में बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगा। इस साइड में आपको अलग से नम पैड जो होता है, नंबर लॉक सिस्टम भी मिल जाएगा और काफ़ी स्मूथ है। आप कोई भी की को प्रेस कर सकते हो, जैसे ज़्यादा साउंड ये क्रिएट नहीं करता है। इसके पीछे होता है ये बैटरी पोर्ट, तो हम अगर इसे खोल देते हैं, थोड़ा सा हार्ड है। खोलने के बाद यहाँ पे डबल साइज बैटरी मिल जाएगा जो आपके बॉक्स में इनबिल्ट आता है। तो हम लोग इसे कर देते हैं ऐसे ही इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद इसमें अलग से आपको कोई स्विच नहीं मिलता है ऑन ऑफ करने के लिए। अभी देखते हैं माउस का क्वालिटी किस टाइप का है। तो माउस को निकाल लेते हैं। इसका भी फिनिश ऑलमोस्ट मैट फिनिश जैसा है, इसी फिनिश का आपको मिल जाएगा। और इसका अगर बिल्ड क्वालिटी हम लोग देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बिल्ड क्वालिटी। अगर आप कोई भी अच्छा क्वालिटी का प्रोफेशनल वायर्ड माउस के साथ कंपेयर करो तो साइज़ में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, एज वेल एज आप कोई भी छोटा माउस में आपके साइज़ को कंपेयर कर सकते हो। तो इसका भी साइज़ ठीक ठाक ही है, हाथ में ग्रिप में अच्छे से आ जाता है। तो मैं ऐसी बिल्ड क्वालिटी का कोई और ब्रांड का यूज़ कर रहा था, अच्छा है। और इसको बैटरी डालने का जो टेक्निक है, ये उल्टा साइड होता है। इस साइड में पॉजिटिव और इस साइड में नेगेटिव पोर्ट है। आप ऐसे प्रेस कर दो, प्रेस करने के बाद ये कंपार्टमेंट अंदर जाएगा। कंपार्टमेंट ऑन करने के बाद यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ बटन आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो ये LED जो है वो ब्लिंक कर रहा है। सो ऐसा है। और आपको साथ में मिल जाता है वेरी वाइटल जो USB पोर्ट है। कोई भी लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर OTG केबल है, आप कोई भी मोबाइल फ़ोन के साथ, स्मार्टफोन के साथ आप इसे ऐड करने के बाद आप इसमें गेम वगैरह या फिर कोई भी वर्किंग, अभी ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत चल रहा है, हर घर में बच्चे होते हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ये कोई लैगिंग नहीं करता है। मैंने इस टाइप का अलग डेल का ही अलग मॉडल यूज़ कर रहा हूँ बहुत ऑलमोस्ट एक साल से। बैटरी का जो लाइफ है वो ऑलमोस्ट एक साल के आसपास आपको सर्विस दे देता है। कीबोर्ड का भी आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करोगे, उस हिसाब से कीबोर्ड का बैटरी आपको लास्ट करता है। कीबोर्ड ऑन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा कोई स्विच तो नहीं मिलता है। इसका कीबोर्ड का एक नेगेटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ, जो कैप्स लॉक्स होता है वो जनरली एक LED इंडिकेटर होता है जो इसमें आपको नहीं मिलेगा। हालांकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। आपको ये अगर टेबल में रखो या फिर कोई भी टॉप में रखो तो यहाँ पे आपको एक स्टैंड मिल जाता है जो एक स्टेबल हम लोगों को सेटलमेंट देता है। एंड ये कोई भी माउस का भी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छा है। दोनों को आप यूज़र फ्रेंडली वे से, लैपटॉप से दूर या फिर मोबाइल फ़ोन से दूर आप कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हो। गाइज, इसे बाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप कॉम्बो में बाई कर सकते हो या सेपरेटली बाई कर सकते हो। हालांकि इस बिल्ड क्वालिटी का बहुत सारा वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस आपको मिल जाता है इसी प्राइस पॉइंट में, जैसे लेनेवो, आईबॉल, गीगाबाइट, ये सारे ब्रांड मैंने यूज़ किया है। लेकिन मैं डेल को क्यों कंसिडर करता हूँ वन ऑफ द बेस्ट वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड में, रीज़न ये है कि आपका जब भी ये फॉल्टी हो जाता है तो ये लोग होम सर्विस देता है, तो आपको एक्स्ट्रा हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड का कोई भी लोकेशन में रह सकते हैं एंड ये आपको इसका जो मैकेनिक है जाके रिपेयर करके आता है। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। एज वेल एज आपको अगर इससे कनेक्टिविटी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं।